नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त की खबर आपको बता दें फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद के शुकोहाबाद नगर में डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों और महंगाई के विरोध में मंगलवार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। सुभाष तिराहे से लेकर मैनपुरी चौराहे तक पैदल मार्च निकालकर बढ़ती महंगाई का जमकर विरोध किया गया। इस अवसर पर कार्यकर्ता और पदाधिकारी केंद्र व प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चल रहे थे। पैदल यात्रा में 5 बैलगाड़ी शामिल थी। पैदल मार्च डॉक्टर संजय यादव, एमएलसी दिलीप यादव, चेयरमैन प्रतिनिधि अब्दुल वाहिद के नेतृत्व में निकाला गया। एमएलसी दिलीप यादव ने बताया कि महंगाई, कानून व्यवस्था, महिलाओं के साथ अत्याचार और किसान आंदोलन के विरोध में ये मार्च निकाला जा रहा है। संजय यादव ने कहा, भाजपा तो पूंजीवादियों की पार्टी बन चुकी है। ओम प्रकाश वर्मा ने कहा, देश और प्रदेश में पूंजीवादी हावी हो गए हैं। प्रदेश में तानाशाह सरकार चल रही है। भाजपा सरकार से जनता बुरी तरह से त्रस्त है। फिरोजाबाद से ऋषि पंडित की रिपोर्ट। पदयात्रा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आज शुकोहाबाद शहर में महंगाई के विरोध में समाजवादी पार्टी द्वारा सुभाष तिराहे से लेके कटरा बाजार हुकुर मैनपुरी चौराहे तक माननीय पूर्व सांसद श्री अक्षय यादव जी के नेतृत्व में एक विशाल पदयात्रा महंगाई और खराब सेवाएं और भ्रष्टाचार और जो उत्तर प्रदेश में जो हालात बने हुए हैं, बेरोजगारी, व्यापारी, जो सब लोग सब वर्ग परेशान हैं, उन वर्गों की आवाज़ उठाने के लिए, इस प्रदेश सरकार को चेताने के लिए आज समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर निकल कर उत्तर प्रदेश सरकार का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरने का विरोध करेंगे और इस सरकार को इस प्रदेश से बाहर फेंकने के लिए और 2022 में इस प्रदेश की गद्दी, इस प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को 2022 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर इस प्रदेश को पुनः विकास के पथ पर ले जाने का काम इस समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जमचाए चेयरमैन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम। पैदल मार्च है, उसके लिए आपको क्या कहना है? आज समाजवादी पार्टी का पूरे फिरोजाबाद में पैदल मार्च है, जो डीजल, पेट्रोल, गैस और व्यापारियों के साथ अत्याचार, किसानों का के साथ अत्याचार, ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार के विरोध में हमारे सभी फिरोजाबाद विधानसभा के कार्यकर्ता और सभी नेता इस विरोध में अपने पैदल मार्च करके बाजार में स्वास्थ्य राय से और अपने मैनपुरी चौराहे तक पैदल मार्च करेंगे।